Nancy. अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट उनको करिए नहीं जिसने अपराध किया है, जिसने गाड़ी से कुचल दिया उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है योगी सरकार? ये जवाब तो योगी मोदी को देना पड़ेगा। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए जो लखीमपुर यूपी में हुआ उसको लेकर यहां पर पटना में बिहार की जो कांग्रेस की पूरी टीम है वो उतर गई है और कल हौज अरेस्ट कर लिया गया था प्रियंका गांधी को। और उसके बाद यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी जो कांग्रेस के MLC हैं बिहार से। सर आप लोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कुछ भी वहाँ की सरकार ने किया है जी वो अन्याय है जी। लोकतंत्र में आवाज़ को इस तरह से दबा नहीं सकते। जिस मंत्री के बेटे ने कुचल दिया किसानों को उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही है जी। जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रही है प्रियंका जी, आप उनको गिरफ्तार करके रखे हुए हैं जी। ये बदमाशी है। शासन में जब ऐसा होने लगे तो समझिए उस शासन का अब अंत आ रहा है। सत्ता पक्ष कहती है वहाँ जाएंगे और माहौल ख़राब करेंगे ये लोग पहुँच कर। अरे तो आप उसके लिए उनको अरेस्ट कर लेंगे? पीड़ित लोगों से मिलना हमारा हक है जी। आप इस तरह से कैसे अरेस्ट कर लेंगे? अरेस्ट उनको करिए नहीं जिसने अपराध किया है, जिसने गाड़ी से कुचल दिया उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है योगी सरकार? ये जवाब तो योगी मोदी को देना पड़ेगा। क्या लगता है कि जो यूपी में कहा जाता है कानून का राज है वो दिखता है? वहाँ अपराधियों का राज है। अच्छा, वहाँ अराजकता है और उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को बदलेगी इस चुनाव। आज मोदी जी भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं, पता ही होगा। मोदी पहुंचे लेकिन उन्होंने कोई इसकी नोटिस ही नहीं लिया इतनी बड़ी घटना की जी। अगर मंत्री के बेटे के गाड़ी से लोग कुचले जाते हैं तो इसका कोई समाधान क्या है? आपने प्रियंका गांधी को दीपेंद्र हुड्डा को क्यों अरेस्ट करके रखा है? उनको क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं पीड़ित परिवारों से? इस सवाल का जवाब योगी को देना पड़ेगा। इसलिए सांकेतिक प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं जी। पूरे देश में आज पुतला दहन हो रहा है और योगी सरकार की बर्खास्ती की मांग। एक आखिरी सवाल, राजद ने दोनों सीटों पे कैंडिडेट घोषित कर दिया है, आप लोग क्या करने वाले? हम भी दोनों सीटों पर लड़ेंगे। लड़ेंगे? हाँ, राजद का फैसला एक तरफा है। मतलब गठबंधन है या टूट गया? जब दोनों सीट पर सब कोई लड़ेंगे तो गठबंधन कहाँ से रहेगा? मतलब टूट गया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम भी दोनों सीट पर लड़ेंगे ये तय है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी, उन्होंने कहा गठबंधन कहाँ रह गया जब दोनों सीट पर चुनाव दोनों पार्टियाँ लड़ेंगी। तो ये यहाँ से अभी के लिए इतना ही। जिस तरह से देखिए प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है यूपी में, जो हुआ है हौज अरेस्ट किया गया है उसको लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.